नमस्कार अर्गस सुपरफास्ट को स्वागत करुछु माधुरी। घोषणा होईछि 67वां नेशनल फिल्म अवार्ड 2021। सुपरस्टार रजनीकांत को दिया जाइछि सम्मानजनक दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। दिल्ली विज्ञान भवन में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू एही अवार्ड प्रदान करिछन्ति। सेपरि भोसले पई मनोज वाजपेयी एवं असुरन पई धनुष को मिलिछि श्रेष्ठ अभिनेतार पुरस्कार। मणिकर्णिका पई कंगना रणावत को खाता को जाइछि बेस्ट एक्ट्रेस रा अवार्ड। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को द्वारा अभिनेता छी छोरे को मिलिथिला श्रेष्ठ हिंदी फिल्म रो पुरस्कार। हैप्पी टू रिसीव दिस प्रेस्टीजियस अवार्ड एंड माय हार्टफेल्ट थैंक्स टू सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर ऑनरिंग मी विद दिस मोस्ट प्रेस्टीजियस दादा साहेब फाल्के अवार्ड। आई डेडिकेट दिस अवार्ड टू माय मेंटर माय गुरु के बालचंद्र सर। दिस मोमेंट आई रिमेंबर हिम विद ग्रेट ग्रेटिट्यूड and my brother Satyanarayan Rao Gaikwad who is like my father who brought me up with teaching me with great values and injecting me a spirituality in me and my friend Ekanandaka bus transport driver my colleague Raj Bahadur when I was the bus conductor he was the one who identified the acting talent in me and encouraged me to join the cinemas bharatiya film udyog ne vibhinna bhashaon mein apni pehchan banayi hai chahe wo bhojpuri film ho ya tamil ya fir odia ya assami film ho anya bhashaon mein bhi ullekhaniya filmein ban rahi hai bhashaon ke vibhinnata ke bavajood cinema ki apni hi alag bhasha hoti hai jo kshetriya यह सांप्रदायिक सीमाओं से ऊपर है। अलग भाषा अलग वेश फिर भी अपना एक देश। विविधता में एकता भारत का विशेषता। वी आर ऑल इंडियंस नॉर्थ और साउथ ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट। गिरफ्तार लेडी जॉन मानसी कटक शिशु भवन मेडिकल निकट रे बिल्डर को आक्रमण घटन गिरफ्तार लेडी डॉन मानसी नायक उर्फ बेबी बेबी गैंगस्टर सकिल गर्लफ्रेंड होता सूचना 2014-15 मसीह गिरफ होते मानसी कटक सहर से सकिल दादा बटी आदाय करते मानसी को लालबाग थाना पुलिस गिरफ्त कर रिपोर्ट देता कि किसी लोक डाकिले और गला गोटे जगह को डाकिले गाड़ी गलज कर धमका धमकी कर फिजिकल असल्ट और ये उपरे गोटे केस रजिस्टर कराई घटनार तदंत कला जना पड़ा कि भितर जड़े महिला जे कि आगु भी गोटे मर्डर केस रिलेशन रे और तापरे अन्य कितना केसेस रे से इनवॉल्व है कि आगु फॉरवर्ड है से ये सब घटना घटाई और से संगे आउतार एसोसिएट्स जना पड़ी से आगु से गैंगस्टर सकिल संगे भी एसोसिएटेड थिला। राजधानी में पुणी मातिले ब्राउन सुगर माफिया ब्राउन सुगर चालान बेले माफिया को गिरफ्त कला पुलिस। सूचना अनुसार सुंदरपदा अंचल एयरफिल्ड थाना पुलिस 25 लाख टंका ब्राउन सुगर जबत कर घटन जड़े अभियुक्त को पुलिस गिरफ्त करता बेले तार घर उत्तर प्रदेश बोली जमापड़ी। ब्राउन सुगर कारबार तार पेडलिंग तार बेपार उपर अंकुश लगे अगस्ट 15-2021 एक अपरेसन ह्वैट स्पाइडर नाम अपरेसन लंच कराई जो थे कि खास कर पेडलर मान को टार्गेट कराला बिजनेस टोटल नेटवर्क को टारगेट कर चेष्टा चलू जहाँ फलस्वरूप आज एयरफिल्ड थाना 250 ग्राम ब्राउन सुगर जबत हो दुज ब्राउन सुगर बेपारी गिरफ्त हो कोर्ट फरवर्ड होती आज जाए पखापाखि 2 किलो 250 ग्राम जेबेठ अपरेसन लंच होट स्पाइडर 2 किलो 200 ग्राम पखापाखि ब्राउन सुगर जबत होगा 30 रु अधिक बेपारी और पेडलर जो मैंने छोट छोट एमाउंट नहीं कि विभिन्न बस्ती अंचल बिक्री करती से मैंने गिरफ्त होती आगामी दिन में आमर मुख्य फोकस रस्ती अंचल गुड़ाक जो पेडलिंग से पेडलर मान को टार्गेट करवा आम मुख्य फोकस रहा। झारसुगुड़ा नगड़ार चित्र नहीं अर्कस खबर प्रसारण पर तत्पर है प्रशासन
जिलार सदर महकुमार विकल चित्र गतकाली अर्गसरे प्रसारण पर आज तरपरिया भाव केवल जड़े अधिकारी तदंत पहुंची आसंता झरणा रणबीड़ा डाक्तखाना निधिकारी जहाँ देखिली परिस्थितर जे आम अंगनवाड़ी वर्कर आशा तांकर जथाचेष्टा रेफर टू नहीं डेलीवरी टू नहीं खाइबा पीवा नहीं सबू तो व्यवस्था करथिबार सेमाने निजे सामनारे कहुछंती तथापि आम कल भावुछु आंबुलेंस रे तांकु पुनर्बार गायनिक स्पेशलिस्ट आउ पेडियाट्रिक स्पेशलिस्ट को देखे आनिबा पई व्यवस्था। सनसाइन स्कूल अध्यक्ष ममिता हत्याकांड घटना रे गृहराष्ट्रमंत्री दिव्यशंकर मिश्र को बहिष्कार दावी करुआसुच्छे बीजेपी किंतु एपर्यंत ना मंत्री को बहिष्कार करागला ना मंत्री गिरफ हेले यार प्रतिपाद आसंता 26 और 27 तारीख में राज्य सबु एसपी ऑफिस घेराव कर राज्य बीजेपी युव मोर्चा यहसह घटनार सीबीआई तदंत दावी कर नारी निर्यातनार आउ एक कला फर्द जोड़ी है विशेष भाव यही हत्याकांड बार बार युव मानस को सारा ओडिशार युव समाज को आंदोलित करुचे यही घटना नुआ नुहे आपण देखिबे जे माधवी लता जो लेडी डॉक्टर तार भविष्य थिला इतिश्री जड़े स्कूल टीचर तांकर भविष्य थिला कुंदुली पीड़िता दलित झियो परी जो निष्पाप शिशु स्मिता राणी जड़े पीओ सौम्यरंजन जड़े एससीएफ एवं ममिता मेहर जे कि गोटे कॉलेज प्रिंसिपल। सनसाइन कॉलेज अध्यक्ष ममिता मेहर हत्याकांड घटना आसंताकाल ममिता गांव बलांगीर झरणी गांव गस्त कर बीजेपी एक टीम बीजेपी राज्य सभापति समीर महांती और सांसद संगीता सिंहदेव नेतृत्व में यह टीम ममिता घर को जवासह महाली कलेज गस्त कर सतैश बड़म्बा नरसिंहपुर बंद डाकरा दे बड़म्बा बीजेपी नरसिंहपुर थाना ठारे बीजेपी कर्मी को पुलिस माड़ घटन राज्य कार्यकारिणी सदस्य विजय कुमार दल बेहरा गिरफदारी घटना को विरोध कर बीजेपी बंद डाकरा आसंता 27 तारीख में सारा बड़म्बा नरसिंहपुर निर्वाचन मंडल बंद डाकरा बीजेपी कर्मचारी माने कर्मी हो जाए विशेष भाव में पुलिस जो ढंग से काम कर कौन सी जगार निरपेक्षता नहीं मो सरकार 5T ये सब डिंडीम केवल लोकदेखाणिया घोषणा ये सब कु लोक माने अनुभव कर सारे तेणु यह आसंता दिन में कड़ा जवाब दवापाई भारतीय जनता पार्टी आप देखिथे ममिता मेहर घटना जो भाई भाव में राज्य सारा भारतीय जनता पार्टी कार्यक्रम करई मुनाभा गिरफ्तारी समस्त घटना को लेकर तर्जमा हम तो पुलिस विरुद्ध विजु जनता दल सरकार विरुद्ध आहरी जोरदार कार्यक्रम हम मुख्यमंत्री बारिपदा गस्त समय बीजेपी कर्मी को मरणातक आक्रमण और ममिता हत्याकांड घटन बीजेपी 12 घंटिया मयूरभंज बंद सफल हो शांतिपूर्ण भाव बंद डाकरा बड़साई निर्वाचन मंडल समस्त सरकारी कार्यालय बैंक दुकान बजार गाड़ी मोटर शिक्षानुष्ठानगुड़ बंद में सामिल हो समर्थन कर देखा मिलता समय भारतीय जनता पार्टी तीन जन कार्यकर्ता विशेषकर मो निर्वाचन मंडल कुना महतो को जो भाव में मरणात्मक आक्रमण कले आम भारतीय जनता पार्टी तरफ दृढ़ भाव निंदा कल घृणा करुचु से ही परिप्रेक्षी में आज आम सका 6 रु संध्या 6 12 घंटा मयूरभ बंद रखु ये अभूतपूर्व सफलता ए बंद रे साधारण जनता खुशी मनरे आत्मीयता सहित बंद कर ममिता मेहर हत्या घटन मंत्री दिव्यशंकर मिश्र संपृक्ति अभियोग आह तुरंत गिरफ दावी कर चांदपाली युव कंग्रेस मंत्री दिव्यशंकर मिश्र कुशपुतलिका दाह कर
ପରେ ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ପ୍ରତିବାଦ ସଭା କରାଯାଇଥିଲା। दुष्कर्म कर मारि दि समस्त आज ओडा स्तंभित बहु तदंत पर गोविंद बाबू जे जो स्कूल प्रतिष्ठाता सरकार अरेस्ट कर आज कांग्रेस युव कांग्रेस दाबी करे गृहराष्ट्रमंत्री दिव्य सिंह मिश्र तुरंत मान्यवर मुख्यमंत्री को इस्तफा दिंतु कारण ममिता मेहर हत्या घटना रे कटक सदर ब्लॉक कांग्रेस कमिटी तरफ ब्लॉक आगे विक्षोभ प्रदर्शन सह मंत्री दिव्यशंकर मिश्र कुश पुतलिका दाह विक्षोभ प्रदर्शन में ब्लॉक कांग्रेस सभापति प्रताप मल्लिक वरिष्ठ नेता दुर्गाशंकर दास मानस रंजन उग्रसेना भूया प्रमुख उपस्थित थे। मुख्यमंत्री मयूरभंज गस्त समय विरोध प्रदर्शन करने को जाए जिला जेएमएम दलर कर्मी बीजेडी कर्मी आक्रमण शिकार होते बारीपदा टाउन थाना एतला दिया पुलिस केवल दुईज को गिरफ्त कर अन्यों को छाड़ी जहाक नहीं जिला झाड़खंड मुक्ति मोर्चा पक्ष विक्षोभ प्रदर्शन कर विरोध कर संविधान सम्मत किंतु जेतेबेले ओडिशार बरपुत्र मुख्यमंत्री थिले ओडिशार सेतेबेले कोला पतका प्रदर्शनकारी को देखिले से गाड़ी उल्लिकी तांकर समस्या विषय आलोचना करूथिले सुविधा बुझुथिले किंतु नवीन पटनायक सरकार ताहा विपरीत देखा जाउछि। आज जेपरी भावरे जणे महापुरुषंकर मूर्ति रे प्रतिमूर्ति रे बिजेडी रो पतका लगा जायछि कार्यक्रम तांको सरला एते दिन धरि अछि पुलिस प्रशासन याकु हटौनि याकु आमे दृढ़ भावरे निंदा करूछु से जणे ओडिशार कोडिंगो वीर बरपुत्र किंतु तांकर स्टेचू रे एपरी पतका लागिबा को आमे घर विरोध करछु। कंसल्टेंसी नारे चलीथिला देह व्यवसाय अभिचोक पाइबा परे मंचेश्वर थाना सत्य विहार अंचल रे रेड कला कमिश्नरेट पुलिस से चढ़ाव पड़े बाड़ डे जणे फरार होई जाईतिरा कंसल्टेंसी सेक्टरु चारि जण युवती उधार होइतिबा पड़े जणे दलाल को गिरफ्त करिछि पुलिस। एक लक्ष टा लाच नेबा बेले विजिलेंस हाथ में धरा पड़े कलाहांटी थुआमूल रामपुर आईसीडीएस सीडीपीओ पुष्पांजलि रथ अंगनवाड़ी कर्मी चयन पर एक लक्ष टा लाच ने बेले नवरंगपुर विजिलेंस टीम चढ़ाव कर भवानीपाटना बड़पड़ा बासभवन में वीर सिंह ठार् टा ने बेले विजिलेंस टा धरी केन्द्रापड़ा जिला वार्साघाई ब्लॉक रे कार्यरत शिक्षक शिक्षयित्री पदोन्नति कार्यक्रम प्रक्रिया चालू रही बेले असंतोष देखाई सरकार गाइडलाइन अनुयायी 1990 मसीह कार्यरत वरिष्ठ शिक्षक मानंको प्रमोशन देवार व्यवस्था थिबा बेले केन्द्रापड़ा शिक्षक और शिक्षयित्री मानंको प्रमोशन रे व्यापक परिमाण रे चंचकता करा अभियोग करिछते शिक्षक और शिक्षयित्री। गंजाम सोरडा थाना अंचल चोरी होता जेसीबी मशीन जबत और दुई गिरफ गिरफ अभियुक्त मैंने दुबुलुंडा गाँव रुद्रनारायण जेना दुतीकृष्ण जेना गत 22 तारीख मध्य रात्र मठ साहि रोकता लंडा पात्र जेसीबी घर सामनारु चोरी होता एने सोरडा थाना मामला रुजु होता। भद्रक ब्लक तलांक राजस्व ग्राम को स्वतंत्र ग्राम पंचायत मान्यता दिया दावी कर ग्रामवासी सांबादिक सम्मेलन दीर्घ दिन हेब ग्रामवासी दावी करूसुवा बेले कहीं शुणुना एपरिकी एप्रिल 27 तारीख में तीन मस मध्य तलांक राजस्व ग्राम को एक स्वतंत्र ग्राम पंचायत घोषणा करने निर्देश देते हाइकोर्ट आज को 5 वर्ष बीती जाते यार कार्यकारी हो पारि ना तेणु सरकार बेपरुआ मनोभाव विरोध में पुनर्वार ओडिशा हाइकोर्ट में द्वारस्थ होती ग्रामवासी यहसह पंचायत निर्वाचन चेतावनी देखते दीर्घ दिन धरिके आम दाबी करूँ तलांकु स्वतंत्र पंचायत करा आमर लोकसंख्या भोटर संख्या से दृष्टि जहाँ गवर्नमेंट गाइडलाइन अच्छी से अनुजाई ठीक अच्छी से आम विभाग कर्तृपक्ष मान्यवर मुख्यमंत्री को पंचायत राज विभाग को जिलापाल समस्त लिखित भाव में जिते नाला से आम आईन आश्रय नेलु एवं ओडिशा हाइकोर्ट रे गोटे रिट पिटीशन दाखल कलु 77 35/2021 से मान्यवर अदालत
पंचायत राज विभाग को निर्देश देले जे तीन मास भितरे को गोटे स्वतंत्र पंचायत करिवा पई निर्देश देले एवं तीन मास भितरे तळे नहला पांच मास इतिमध्ये बितिगलानी आम पुनर्बार हाइकोर्ट रे आईन आश्रय नेलु एवं पुणी गोटे रिट पिटिशन कलु जे कंटेम्प्ट केस फाइल कलु 5986/2021 एवं आमे कहुचु जेपर्यंत पंचायत न होइतिबो बा ए केस विचार ओडिशा हाइकोर्ट रे जेहेतु वर्तमान विचाराधीन अछि चालीछि न सरिथिबो से जबत एठी निर्वाचन बंद हो। बड़म्बा ठारे मां भटारिका ट्राक्टर मालिक महासंघ पक्षरु तहसील घेराव 200 ट्राक्टर एकासह कले रोड शो दीर्घ 8 मास हेबो बड़म्बार समस्त नदीघाट गुड़ी को बंद कर दि जाएगी जहाँ को विरोध करी ट्रैक्टर मालिक संघ विरोध प्रदर्शन कर आठ मसला एका सांगे टिकिरिया आठगड़ नरसिंहपुर बालीघाट चलुले कौन है आम बालीघाट आज आठ मसला चल आम ट्राक्टर बंधु मैंने हाथ अच्छी बसिले जनसाधारण कष्ट कर जो बालिकी 800 टकर पाला 1600 टकर भित्रे दुख परितापर विषय तेणुक आम माननीय मुख्यमंत्री विधायक जिलापाल अनुरोध करम मध्यम तहसीलदार जरिया जे कार्यक्रम केमी शीघ्र हाथ को नियंतु बालीघाट खोलू एटे आमर खनिज संपद भरा थे पथर घाटर कार्यक्रम खोल जाऊ मुरुम पे खोल जाऊ गोड़ी पे कार्यक्रम कर जनसाधारण जोटि 800 टाँचा बालीटा 1600 टाँचा किणुंट जो 1000 टाँचा बालीटा 2000 टाँचा किणुंट तेणु आम आज दाबीपत्र देलु जहाँकि जदि आम कथा बोझा न जाए तो आम आज गणधारणा देवु और आम आज आपण मध्यम समस्त ओडिशावासी को जनई दौ जनसाधारण जनई दौ जदि आपको 7 दिन 8 दिन भितर आम समाधान न करती ताहले आम राजरास्ता को ओल्लबू। बांग्रीपोषी थाना अंतर्गत कंटापाल गाँ निकट चाष जमीर 14 फुट्र अजगर साप उधार बिल में धान काटुवा बेले लोक साप को देखी वन विभाग को खबर देते वन विभाग कर्मचारी साप को उधार कर शिमिपाल जितिय उद्यान मध्य छाड़ नदी में भासी जा पोल निर्माण श्रमिक निखोज एभली घटना घटी मयूरभंज जशीपुर थाना अक्तापाल गाँ निकट भंटन नदी कूल होता चित्र आसू नदी उपर निर्माणाधीन विजु सेतुर जड़े श्रमिक गाधुवा बेले नदी में भासी जा निखोज अच्छा निखोज निर्माण श्रमिक जनक केन्दुझर जिलार बोली जमाई कम वर्षा जो कुचिंडा उपखंडर विभिन्न पंचायत में धान गच मरी पड़ी सेपटे सरकारी अधिकारी माने मरुड़ी जनित क्षयक्षतिर रिपोर्ट को चर्चकता कर अति कम क्षति होता दर्शाई चाषी अभियोग जहां विरोध कर कुचिंडा जिला कृषि कार्यालय सम्मुख में विक्षोभ प्रदर्शन करी धान मरी जाइए हेतिर लगे आम आसचु आते आसनु आम जानवर के पालू जे जॉइंट वेरिफिकेशन हो कहले जॉइंट वेरिफिकेशन मैंने काण कर ऑफिस ने बसिक राय तो दिया है मैंने पारामीटर अनुसार देचन आ जेन हिसाब से कहछन आम से सन्तुष्ट नुह आम आसिक शांति श्रृंखला हिसाब से 11 बजे बसीचुने आगे कहूँ हमके से जेन रिपोर्ट तुम्हें देच से रिपोर्ट हमको देख जी कौन मुझे देखे नहीं पारे तहसीलदार के डाकला तहसीलदार भी कहला नहीं आम 7 दिन 7 डेज भितर करमु आर ये अंचल लोक चाष उपरे ही निर्भर कर हेले इथे किछि फैसिलिटी नहीं न मेघा वार नहीं न कि जहाँ पर वेल कर सब फेल रेढ़ाखोल उपखंड को संपूर्ण मरुड़ी घोषणा और चाषी मान विभिन्न दाबी नहीं आज भारतीय किसान संघ तरफ उपजिलापाल रेढ़ाखोल को दाबीपत्र प्रदान करा जाए रेढ़ाखोल एवं नाकोटी देउल ब्लॉक रो अनेक चाषी उपजिलापाल कार्यालय घेराव करने से विभिन्न दाबी उपस्थापन कर दारिंगबाड़ी ब्लॉक रो 25 पंचायत रो गाँ साथी माने दारिंगबाड़ी थारे एक विशाल राली करिपा सहित विजय को मुख्यमंत्री उद्देश्य 23 दफा संबलित दावी प्रदान करिछन्ते गाँ साथी को स्थायी नियुक्ति सहित 100 दिन कार्य दिवस बदल 200 दिन कार्य दिवस करने को दावी करिछन्ते आमर 100 दिन काम 200 दिन करा जाऊ जारि फलरे ये जो देश चाड़ी देश दादन श्रमिक कटी जा कटवाक जाए दिन काम कि ना सत्वे 200 दिन करा जाओ जारी फल जो दिन को 215 टाँचा हिसाब से 300 टाँचा करा जाओ से आमर गाँ आजिकार रेट्रे गाँ लोक जाक सबू
ଦୁରିଆ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ନଯାଇ ନିଜ ଗାଁରେ ଖଟିକିରି ଦୁଇ ପଇସା ଅର୍ଜନ୍ତୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଓହ୍ଲାଇକିରି ଆମେ ଆଜି ରାଲି କରୁଛୁ। ଆମର 23 ଦଫା ଦାବି ରହିଛି, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ମୁଖ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ଦାବି ଆପଣ ନିକଟରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ନିଜ ପରିବାର ସହ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁରର ଚିନ୍ମୟ କୁମାର ପୂଜାରୀ। ଟ୍ୱିଟ୍ରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଚିନ୍ମୟ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବାଲିଆ ବନ୍ଧର ଜଣେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତି, ଆଉ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ରହିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଲାଗି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନେଇ ସେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିମ୍ବା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏ ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେଉଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଚିନ୍ମୟ କୁମାର ପୂଜାରୀ ଜଣେ ଆୟକର ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ। ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ରିପୋର୍ଟର ମଳୟ ଭୋଇ ସମ୍ବଲପୁରରୁ। ମଳୟ, ଏ ଘଟଣାକ୍ରମ କ'ଣ ରହିଥିଲା? ଗୋଟେ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି, ପୁରା ଘଟଣାକ୍ରମ କ'ଣ ରହିଥିଲା? ଦେଖନ୍ତୁ ମାଧୁରୀ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଚିନ୍ମୟ କୁମାର ପୂଜାରୀ, ଯିଏକି ସମ୍ବଲପୁର ବାଲିବଧା ଅଞ୍ଚଳର ଚିନ୍ମୟ କୁମାର ପୂଜାରୀ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ବଲପୁର ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପାଖାପାଖି 108 ଏକର ଜମି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଘର ଦ୍ୱାରା ବିସ୍ଥାପନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଆଉ ଯେଉଁଥିରେ ଯେଉଁ ବାଲିବନ୍ଧା କମଲି ବଜାର ବିଭିନ୍ନ ପଡ଼ା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଉଚ୍ଛେଦ ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ କି ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ବାଲିବନ୍ଧାର ଚିନ୍ମୟ କୁମାର ପୂଜାରୀ, ତାଙ୍କ ଘର ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ତ ସେ ସିଧାସଳଖ ନିଜେ ସିଏମ୍ଙ୍କୁ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଜଣେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଲୋକ, ପାଖାପାଖି ସେ 80% ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଉଚ୍ଛେଦ ନ କରାଯାଉ, ସେ ଯଦି ଉଚ୍ଛେଦ କଲେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ସେ ନିଜେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବେ ବୋଲି ସିଧାସଳଖ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜେ ବହୁ କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ଘର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଘର ତିଆରି କରିସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଯେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳ ଉଚ୍ଛେଦ ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କ ଘର ମଧ୍ୟ ଭଙ୍ଗାଯିବ। ଏହାକୁ ନେଇକି ସେ ଅନେକ ଥର ସ୍ଥାନୀୟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ତଥାପି କେହି ଶୁଣିନଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଚିନ୍ମୟ ପୂଜାରୀ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିବା ମଧ୍ୟ ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଏ ବା ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଏ ତା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଦିଆଯାଏ, ତ ଚିନ୍ମୟଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୋଟିସ୍ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି କି ନାହିଁ? ଦେଖନ୍ତୁ ମାଧୁରୀ, ଯେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତ ଉଚ୍ଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଓ ପ୍ରଥମ କରି ଯେଉଁ ସରକାରୀ କୋଠା ଗୁଡ଼ା ରହିଛି ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଛି, ଓ ଯାହା ଘରୋଇ ଜମି ବା ଯାହା ଘରୋଇ ଘର ମାନ ରହିଛି ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇନି। କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ବହୁତ ଯେତିକି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, ତ ତାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଅନେକ ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ନୋଟିସ୍ ଦିଆଗଲାଣି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ନୋଟିସ୍ ଦିଆଯାଇଛି ତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଚିନ୍ମୟଙ୍କ ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ନୋଟିସ୍ ଯିବ ଯେ ତୁରନ୍ତ ଘର ଖାଲି କରିବେ, ସେ ଯାକ ଉଚ୍ଛେଦ ହେବ, ତ ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଚିନ୍ମୟ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ସେ ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଘରରେ ତାଙ୍କର ଇତିହାସ ଅନେକ ବର୍ଷର ଇତିହାସ ଜଡ଼ି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ସେ ଘର ତିଆରି କଲେ, ଆଉ ଏବେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଘର ଭାଙ୍ଗିବା ଯୋଉ ପଦକ୍ଷେପ ଆସିବ ତାକୁ ସେ ସହଜେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପୁରା ପରିବାର ଆମେ ଯାହା ସ୍ଥିତି ଦେଖୁଥିଲୁ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଥିଲୁ, ସେ କେବଳ ଏକା ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ବାପା ମା ଚିନ୍ମୟଙ୍କ ବାପା ମା ମଧ୍ୟ ରୋଗୀଣ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ନିଜେ ଚିନ୍ମୟ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କଥା ଦେଖିବା, ପରିବାର ପୁରା ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୋଚନୀୟ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି ତା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମଳୟ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ। If they will break my house, where we will go? That is no solution. Oh, boys are to get dead alive. Solution was, Goro Rabar Dauje, solution. In our heart, mind, everything is situated. It betrays both poor people. They will a great sufferer, not only me, people poorer to me, and maybe teacher. We Mukhya Mantri ke gojan, we have to resign. If he will board, the board one, it is a last option. A gana hamku solution daba.
ଇମେ ପ୍ରପର୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଆଉ ଆମର ଇ ଏରିଆକେ ଭାଙ୍ଗୁଛେ। ଆମେ ଏତେ କଷ୍ଟରେ ଘରଟା ବନେଇଛୁଁ, ସେ ଜଣେ 80% ଡିସେବୁଲ୍ଡ ପର୍ସନ୍ ଯେ କେହି ବି ସେଟା ତାର ମାନେ ହେନ୍ତା ଭାବି ମାନେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବାଧୁଛେ ବୋଲି ସେ ଡିସିଜନ୍ଟା ଲେଖିଛନ୍। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏହେଦେ ଘର ଏହେଦେ ମାନେ ମୋର ଜାଣିବାରେ ହୀରାକୁଦର ଜଲବୁଡ଼ିର ପଇସା ବି ଲୋକଙ୍କୁ ନୁହେଁ ମିଳେ, ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମକୁ କାଣା ମାନେ ଫେସିଲିଟି ଦେବା କାଣା କରିବା ସେଟା ଗଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପାଖକେ ଯାଇକରି ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଦେଲୁ, ସେ ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇ ଦେଲେ, ହଁ ମୁଇଁ ବୁଝିମି କହିଲେ, ବ୍ୟାସ ସରିଗଲା ତାଙ୍କର। 8 acres ଜମିରେ ଯେନ୍ ହଉଛେ ସେଟା କମ୍ କରାଯାଇ ପାର୍ବା, ଯେନ୍ ଜାଗା ଗୁଡ଼ାକ ରଦ୍ଦ ହେଇକିରି ପଡ଼ିଛେ ସେ ସବୁ ନେଇକିରି ସେମାନେ ସମଲେଇ ଯୋଜନା କରୁନ୍, ଆମର କୌଣସି ଅବଜେକ୍ସନ୍ ନାଇଁନ ସେଥିରେ ସମଲେଇ ଯୋଜନାରେ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଘରମାନେ ଏଡ଼େ ଏଡ଼େ ଆମେ ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଘରମାନେ ଯେନ୍ ବନେଇଛୁଁ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରିକିରି, ସେ ଘରକେ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆ ନାଇଁ ଯାଉ।